गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी। आज अपन बात करेंगे पी ब्लॉक में जेई मेन का पेपर पहले डिस्कस करेंगे। कह रहा है HNO3 प्लस HCl की रिएक्शन अपन करवाते हैं तो ए बनता है, ए की रिएक्शन अपन PtHCl से कराते हैं तो पी बनता है। देखिए बेटा, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इन दोनों को एक्वा रेजिया बोलते हैं। एक्वा रेजिया बोलते हैं। ये कंसंट्रेट HNO3 है, ये कंसंट्रेट HCl है, ये कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट HCl है। इनसे रिएक्शन कराएंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण AU एंड PT क्या होते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। AU एंड PT इनको बेटा इनर्ट मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट मेटल कहा जाता है। ये दोनों सोल्यूबल होती हैं किसमें, एक्वा रेजिया में। किसके बन जाने के, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण। और कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है अपने पास, कॉम्प्लेक्स बनता है अपना सेकेंड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड। पी पूछा इसने अपने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, ठीक है। कह रहा है इसमें एक कंपाउंड बनाया अपने, डेरिवेटिव बनाया इसका B3N3H4X2। इसमें दो हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर दिया अपने किसके द्वारा, X2 के द्वारा। तो जो कॉम्प्लेक्स बना है अपने, कंपाउंड बना है, इसके कितने प्रतिस्थापी या फिर अपने रिप्लेसमेंट कौन से स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे तो अपन बात करें। देखिए बेटा, इसमें स्ट्रक्चर में बात करते हैं, एक सीएल तो ये बना दे अपन, कौन सी कंडीशन बन गई है, ऑर्थो कंडीशन बन गई अपने पास, ठीक है। सेकेंड अपन बना देंगे, पहली ऑर्थो हो गई अपने पास, सेकेंड अपनी बना दें, यहां सीएल लगा दें, ये कैसी हो गई, मेटा कंडीशन हो गई, ठीक है। सेकेंड कौन सी हो गई, मेटा कंडीशन हो गई अपने पास। थर्ड बात करें अपन, पैरा कंडीशन हो जाएगी अपने पास, ठीक है, पैरा कंडीशन हो गई है। फोर्थ बात करें बेटा, देखो थर्ड में मैंने बात, सेकंड में मैंने बात की थी, यहां पर बोरोन बोरोन वाले, बोरोन बोरोन पर क्लोरीन अटैच है, ठीक है। अपन एक ये भी कर सकते हैं, एक मेटा कंडीशन और बना सकते हैं, कौन सी, क्लोरीन क्लोरीन वाली, कौन सी, क्लोरीन और क्लोरीन वाली मेटा कंडीशन और बना सकते हैं। तो अपने पास कितने समावयवी हो गए, टोटल टोटल अपने पास चार समावयवी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्माइट इज ए मिक्सचर ऑफ, बेटा ये याद रखने वाला है, थर्माइट पाउडर अपन बात करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर होता है, ठीक है। उसमें बात करें, इसमें बात करते हैं अपन कि ये सीधा सीधा आपको याद रखना है, थर्माइट पाउडर क्या होता है, एल्युमिनियम पाउडर एंड Fe2O3 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द एसिड ऑफ फॉस्फोरस H3PO3, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। इनमें अगर एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर बेटा इसमें ऑपोजिट मिलती है, ये बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर दी जाती है। नेक्स्ट बात करें, ऑल ऑफ द देम आर रिड्यूसिंग नेचर, बेटा रिड्यूसिंग नेचर वही रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें पीएच बॉन्ड होते हैं, इसमें पीएच बॉन्ड नहीं है तो रिड्यूसिंग नेचर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ऑल ऑफ देम आर ट्राइबेसिक एसिड, सारे ट्राइब तीनों एच प्लस देने वाले नहीं है, ये ट्राइबेसिक होता है, ये डायबेसिक होता है, ये मोनोबेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्योमेट्री ऑफ फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रल इन ऑल द थ्री, तीनों में इस फॉस्फोरस की ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड HNO3 मेड इन 3:1 रेशियो प्रोड्यूस, इसमें नाइट्रोसिल बनता है बेटा, NOCl का फॉर्मेशन होता है, अभी अपन बात की थी। ये दोनों क्या चीज है, एक्वा रेजिया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने बात की थी, क्या बनता है, NOCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज C60 इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है। ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं, इसको ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म बोल सकते हैं। एसिटी इज ओनली एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, ये बेटा जी ओनली नहीं है, इसके सिवाय और भी एलोट्रोपिक फॉर्म इसकी सल्फर की होती है, S6 होती है, S2 होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। रेड फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल इन एयर देन व्हाइट फॉस्फोरस, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। रेड फॉस्फोरस कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है, किसके कंपेयर में, व्हाइट फॉस्फोरस के कंपेयर में। द टिंचर आयोडीन इज, टिंचर आयोडीन किसे कहा जाता है, सोल्यूशन ऑफ I2, ये I2 है बेटा, सोल्यूशन ऑफ I2 इन एक्वस KI, इसके सोल्यूशन एक्वस KI के सोल्यूशन I2 में, इसको क्या बोला जाता है, टिंचर सोल्यूशन कहा जाता है। अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट बात करें, कर बोरेक्स के संबंध में एक सत्य कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है कि इट इज रिप्रेजेंटेड एज Na2B4O5
OH का होल फॉर H2, बिल्कुल सही बात है बेटा, इसको इससे बोल सकते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एल्कलाइन इन नेचर, बिल्कुल इसका जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, NaOH प्लस H3BO3 का फॉर्मेशन होता है, किसका, H3BO3। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, इसके लिए एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरेक्स बोरॉन इन बोरेक्स इज SP2 एंड SP3। देखो बेटा बोरेक्स की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, BO, 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 ठीक है, OH एंड OH, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा OH- और यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा OH-। तो यहाँ देखा जाए 8H2O, यहाँ देखा जाए बोरोन यहाँ पर SP3 में है, जबकि यहाँ देखा जाए बोरोन किसमें है, SP2 में है, किसमें है, SP2 में, ठीक है। नेक्स्ट करता कह रहा है, ये भी सही बात है इसकी। नेक्स्ट नंबर ऑफ BOB एंड BOH बॉन्ड आर रिस्पेक्टिवली 4 एंड 5। बेटा BOB बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, BOB बॉन्ड देखिए 1, 2, 3, 4, 5, BOB बॉन्ड कितने हैं, 5 है, ये ऑपोजिट बोल रहा है, और BOH बॉन्ड कितने हैं अपने पास, 4 है, ठीक है, तो ये ऑपोजिट बोल रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट अपना आ गया 4th। नेक्स्ट बात करें, विच इज ट्रू अबाउट फुलरीन, फुलरीन के लिए कौन सा सही है, कार्बन हैज SP2 हाइब्रिडेशन, बिल्कुल इसमें सारे SP2 हाइब्रिडेशन होते हैं। C16 फुलरीन कंसिस्ट ऑफ 12 5 मेंबर रिंग एंड 26 मेंबर रिंग, बिल्कुल सही बात है ये भी। इट शो सुपर कंडक्टिविटी एट लोअर टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, आंसर आ जाएगा अपना 4th, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज मिस मैच रिगार्डिंग नोबल गैस, नोबल गैस के लिए कौन सा इस मैच है, लिस्ट रिएक्टिव हीलियम की बेटा रिएक्टिविटी न के बराबर होती है इनर्ट गैस में। अपन देखते हैं इनर्ट गैस के लिए टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, साइज बड़ी होती जाती है, IP कम होती जाती है। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बेटा जी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो अपना आंसर गलत हो गया 2nd। क्लेथरेट ऑफ नोबल गैस ऑर्गन क्रिप्टॉन एंड जीनोन ये फॉर्मेशन करते हैं, क्लेथरेट क्या होते हैं, इनके अपन जो क्रिस्टल होते हैं उनके बीच में स्पेस में अपन ऑर्गन क्रिप्टॉन और जीनोन को भर सकते हैं। अल्फा डिके ऑफ रेडियम प्रोड्यूस रेडोन, ये भी बिल्कुल सही बात है, NCERT में दे रखा अपना, तो अपना आंसर गलत हो जाएगा बेटा, 2nd आंसर अपना गलत हो जाएगा। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर किसकी, हीलियम की बता रखी है, सॉल्युबिलिटी इनर्ट गैस की टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि पोलराइजेशन इंक्रीज होता है, साइज बड़ी होगी तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द ग्रेफाइट बेस्ट अकाउंट्स फॉर इट्स यूज एज ए लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरह यूज क्यों किया जाता है बेटा इसको, क्योंकि बेटा जो ग्रेफाइट की दो लेयर होती हैं, ऐसे लेयर होती है ग्रेफाइट की, इन लेयर के बीच में क्या होता है, वीक वांडरवाल बॉन्ड होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये एक दूसरे पर क्या होती रहती है, स्लिप होती रहती है, ठीक है, इसलिए अपन इसका यूज एज ए लुब्रिकेंट कर देते हैं। तो देखते हैं वीक वांडरवाल बॉन्ड फोर्स बिटवीन द लेयर, अपना आंसर आ जाएगा 3rd आ जाएगा। तो लेयर्स के बीच में क्या होता है, वीक वांडरवाल बॉन्ड होता है, इसके कारण इसका अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, सिलिकॉन डिजोल्व इन एक्सेस ऑफ HF ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये भी बेटा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जब सिलिका SiO2 की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, HF से कराते हैं, तो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है H2SiF6, इसीलिए इसका स्टोरेज, किसका, HF का स्टोरेज सिलिका के बर्तनों में नहीं किया जाता, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण ये डिजोल्व हो जाती है, तो अपना आंसर आ जाएगा अपने 3rd। कंसनट्रेट नाइट्रिक रिएक्ट विद आयोडीन, बेटा कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड होता है तो वो जब नॉन मेटल से नॉर्मली रिएक्शन करता है तो इक वाला एसिड का फॉर्मेशन करता है, तो अपन बात करें कंसनट्रेट HNO3 है, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, I2 से कराते हैं, किससे कराते हैं, I2 से, तो अपने को एसिड मिलता है HIO3, आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और साथ में क्या बनती है, NO2 गैस बनती है, क्या बनती है, NO2 गैस। NO2 गैस के लिए आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, ब्राउन कलर की गैस है, 134 डिग्री एंगल है, प्लेनर है, पोलर है, ठीक है, और SP2 हाइब्रिडेशन है, पैरामैग्नेटिक है, तो अपने पास HIO3 कौन सा हो गया, HOIO2, ठीक है, ये लिखने का तरीका इसमें अलग कर रखा है इसने, इकट्ठा करके लिखोगे आप क्या आ जाएगा, HIO3 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन Cl2 इज पास थ्रू हॉट एंड कंसनट्रेट, ये ध्यान रखना बेटा, हॉट एंड कंसनट्रेट की बात कर रहा है, ऑफ KOH, KOH की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, KOH कैसा है, हॉट प्लस कंसनट्रेट है, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराते हैं,
तो क्या बन जाएगा, KCl प्लस KClO3 बन जाता है, क्या KCl प्लस KClO3 बन जाता है। ठीक है, पूछ क्या रहा है अपने, द कंपाउंड फाउंड इज, देखिए बेटा KCl तो है नहीं इसमें, ऑप्शन में तो अपने पास क्या आ जाएगा, KClO3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव NH3 ऑन हीटिंग, बेटा इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, N2O बनेगा, क्या बनेगा N2O, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा N2, इसको भी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा N2, और इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा NH3। ये सारी रिएक्शन अपनी पढ़ी हुई है, ठीक है, अपन इन तीनों के बारे में तो ऐसे करना कर लिया करें आप, किन तीनों में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो कंपाउंड अपने आप बच जाएगा, तो अपना लास्ट प्रोडक्ट बनता है फोर्थ वाला, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, ओनली फोर्थ, ओनली फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या सिलिकॉन रिपल वाटर ड्यू टू, बेटा सिलिकॉन्स में क्या होता है, एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं वाटर को रिपल करते हैं, ये क्या होते हैं वाटर को रिपल करते हैं, तो अपने पास द प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप पॉइंटेड टूवर्ड सरफेस, तो अपने पास आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे निम्न कर चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर देखें तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ये एसिडिक ऑर्डर है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट में क्या आएगा बेटा NH3 इधर आता है और फिर PH3 सबसे लास्ट में आता है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। बॉइलिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट में NH3 पीछे हो जाता है क्योंकि NH3 में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अपना ये स्टेटमेंट बिल्कुल बेटा राइट है, कौन सा थर्ड स्टेटमेंट, अपने कॉपी में ये बातें की हुई हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की, अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद NaOH इट प्रोड्यूस एक गैसेस मिक्सचर कम आउट एंड कैच फायर इमीडिएटली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बेटा जी फोस्फीन NaOH की रिएक्शन किससे, व्हाइट फॉस्फोर से कराते हैं, तो फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मेशन होता है, जो फॉस्फीन होती है वो पेयर कंडीशन में इन्फ्लामेबल नहीं होती, जबकि उसमें इम्प्योरिटीज हो जाए, अगर उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, किसकी P2H4 की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, तो वो क्या करती है फायर को कैच कर लेती है, आग लग जाती है, ठीक है, फायर कैच कर लेती है, इसीलिए इसमें इस इम्प्योरिटीज को हटा दिया जाता है, ये प्रोसेस बताया हुआ अपन KOH, इसके KOH से रिएक्शन करा के फिर इसे कर लेते हैं, इसकी रिएक्शन सॉरी HI से कराएं, इम्प्योरिटीज को कैसे दूर किया जाता है, HI से कराएं तो क्या बन जाएगा फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाएगा, इसकी रिएक्शन KOH से करा देते हैं तो ये PH3 प्योर फॉर्म में अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें इसी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा अपना सेकेंड। द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन द सीक्वेंस, बेटा प्लस वन अपन 13 ग्रुप में बात करें तो प्लस वन ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। सेकंड 14 ग्रुप में बात करें तो प्लस टू की इंक्रीज होती है, 15 ग्रुप में बात करें तो प्लस थ्री की इंक्रीज होती है, तीनों में बात करें तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अपन देखते हैं सबसे ज्यादा किसमें होगी, TL प्लस वन में होगी, ठीक है, और फिर इंडियन में होगी, फिर गैलियम में, फिर एल्युमिनियम में, अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग लिबरेट ए गैस, द सेम गैस अभी अपन ने बात की थी बेटा, इसको गर्म करने पर क्या बनेगी N2 गैस बनती है, क्या बनती है N2 गैस, इसको हीट करोगे तो यहां भी क्या बनेगी N2 गैस बनेगी, यहां हीट करेंगे तो क्या बनेगी N2O गैस बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा, अपना फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एन हाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा HNO2, ये नाइट्रस एसिड का, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस थ्री। बेटा याद रखना जब भी किसी का एन हाइड्राइड बनाते हैं उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल चेंज नहीं होती, यहाँ प्लस थ्री है तो प्लस थ्री किसमें है फर्स्ट में है, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। यहां बात करें थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड कौन सा बेटा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड अपना आ गया थर्ड। कैरोज एसिड किसको बोलते हैं, H2SO5 को बोलते हैं। ठीक है, मार्शल एसिड किसको बोलते हैं, फोर्थ को, H2S2O8 को बोलते हैं। डायोथाइनिक एसिड किसको बोलेंगे अपन, H2S2O6 को बोलेंगे। तो फर्स्ट में थर्ड, तो फर्स्ट में थर्ड एक में है, सेकंड में फर्स्ट अपना आ गया, सेकंड में फर्स्ट आ गया अपना, सी में फोर्थ आ गया, सी में फोर्थ आ जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बात करें,
क्या पीबीएफ फोर पीबीसीएल टू पीबीबीआर टू एग्जिस्ट बट पीबीआई फोर डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज टू, क्योंकि बेटा जी पीबी प्लस फोर में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी साथ साथ नहीं रहते, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी साथ साथ नहीं रहते। पीबी प्लस फोर में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कभी भी आयोडीन के साथ नहीं रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टर ऑफ पीबी प्लस फोर, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड, क्या आ जाएगा सेकंड, पीबी प्लस फोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ पीबी प्लस फोर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बोरेक्स एन ए टू बी फोर ओ सेवन डॉट टेन एच टू इज एक्चुअली रिप्रेजेंट बाय, अभी अपन ने बात की थी बेटा बोरेक्स को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन ए टू बी फोर ओ फाइव ओ एच का होल फोर एट एच टू ओ बन जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, फर्स्ट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन, इसमें बेटा पूछा गया है मेथेनमाइड्स के बारे में, पूछा गया कि मेथेनमाइड्स कौन से हैं बेटा, जिनके हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलती है, मीथेन बनती है। याद रखना अगर कोई कार्बाइड क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हुआ, अगर कोई कार्बाइड क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हुआ है तो उसके हाइड्रोलाइसिस से मीथेन का फॉर्मेशन होता है, किसका, मीथेन का फॉर्मेशन होता है, तो बी ई टू सी है, इसका हाइड्रोलाइसिस करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हुआ ये, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ सी एच फोर बनेगा और साथ में बी ई ओ एच का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ए एल ओ एच का होल थ्राइस प्लस सी एच फोर, दोनों ही क्रॉस मल्टीप्लाई से बने हुए हैं। इनमें अगर कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे आप तो यहाँ पर एक एसिटिलीन बनती है, क्या बनती है, एसिटिलीन, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर अपना रॉन्ग हो गया। इसकी बात करेंगे तो इसे प्रोपाइन का फॉर्मेशन होता है, किसका, प्रोपाइन का, तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं, द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बेटा किससे बना होता है, उसमें अपने को नवजात ऑक्सीजन कहां से मिलती है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस इसकी Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, क्या मिलता है, CaCl2 प्लस CaOCl2, इन दोनों को अगर इकट्ठा करके लिख सकते हैं CaOCl2, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसमें एक्टिव कंपोनेंट कहां से मिलता है अपने को, OCl से मिलता है, कहां से मिलता है, OCl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो अपने को एक्टिव कंपोनेंट कौन सा मिल जाएगा, CaOCl का होल ट्वाइस, यहां से अपने को एक्टिव कंपोनेंट अपना प्राप्त हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीएसिड ऑफ क्लोरीन, बेटा क्लोरीन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ऑक्सीडेशन स्टेट बनने पर इंक्रीज होती है, तो यहां पर कितना आएगा, प्लस सात प्लस पांच प्लस तीन और प्लस वन क्लोरीन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी तो एसिडिक नेचर क्या होती है, बढ़ती है, एसिडिक नेचर क्या होगी, बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा HClO4 फिर HClO3 फिर HClO2 फिर HClO, तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। कह रहे लाफिंग गैस इज प्रिपेयर्ड बाय, लाफिंग गैस पहले तो ये बताएं लाफिंग गैस किसको कहते हैं बेटा, लाफिंग गैस N2O को कहते हैं, किसको कहते हैं, N2O को कहते हैं। ठीक है, किससे प्रिपेयर्ड की जा सकती है, इन दोनों को मिलाकर अपन लिखें तो ये अभी अपन ने बात की थी NH4NO3 बन गया, NH4NO3 को गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, N2O बन जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनसे क्या बनेगा, इससे अमोनिया बन जाएगी, इससे अभी बात कर चुके हैं अपन, क्या बन जाएगी, N2 बन जाएगी, क्या बन जाएगी, N2, ये H2O3 है बेटा, इसमें भी N2 NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन जिंक रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेंज फ्रॉम, बेटा जिंक वेरी डाइल्यूट से रिएक्शन कराते हैं, वेरी डाइल्यूट से, तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, तो अपन बात करें HNO3 में यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटा, प्लस पाँच है, जबकि यहाँ कितनी चली गई, माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई, कितनी, माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड, प्लस फाइव टू माइनस थ्री, प्लस फाइव टू माइनस थ्री चली जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, H2C2O4 इसको गर्म करेंगे तो एक गैस ए एंड बी बनती है और लिक्विड सी बनता है, तो गैस बेटा एच ऑक्सीलेट को गर्म करेंगे तो यहाँ CO CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है, किसका, H2O का, ए गैस बर्न विद ए ब्लू फ्लेम, यहाँ से पता लग गया कि ये ए कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है, किसके साथ,
ब्लू फ्लेम के साथ एंड इज ऑक्सीडाइज टू गैस बी, इसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो जाता है, तो अपना ए आ गया सीओ, सीओ बी आ जाएगा। देखो इसमें पूछा भी ये ध्यान रखना बेटा, इसने ई भी नहीं पूछा, डी नहीं पूछा है, इसने डी नहीं पूछा है, तो अपना एक तो आ गया सीओ, ए तो आ जाएगा सीओ और बी आ जाएगा सीओ टू, और लिक्विड किसके आ जाएगा, एच टू ओ आ जाएगा, ठीक है एच टू ओ आ जाएगा। अब कह रहे हैं डी की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, डी डी क्या बन गया अपने पास सीओ सी एल, सीओ सी एल टू बन जाता, उसकी रिएक्शन अपन अमोनिया से कराते हैं, तो अपने यूरिया का फॉर्मेशन होता है, तो अपन बात करेंगे थर्ड, ठीक है। यहाँ गैस ए सीओ की रिएक्शन किससे कराते हैं, सी एल टू से कराते हैं, सीओ सी एल टू बनता है, फॉस्जीन गैस बनती है, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो क्या बन जाएगी, यूरिया बन जाएगी, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स इन C16 आर x एंड y, ठीक है देन x एंड माइनस y। बेटा हेक्सागोनल कितनी होती है 20, पेंटागोनल कितनी होती है 12, तो 20 माइनस 12 कितने जाएंगे 0, 8 आंसर आ जाएगा, कितना अपना आएगा 0, 8 आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हेक्सागोनल कितनी है अपने पास, अपन पहले क्वेश्चन में करके आए हैं ये C20 वाले में बात करके आए हैं, पेंटागोनल कितनी 12 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोलाइज कंप्लीटली एट रूम टेम्परेचर एंड गिव ओनली हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। पहले तो रूम टेम्परेचर, दो बातें इंपॉर्टेंट बेटा, एक तो रूम टेम्परेचर और दूसरा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट ऑफ देयर सेंट्रल मैटम। बेटा जी ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होता, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का ये हो जाता है, पर इसका हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसका हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन जाएगा, इसका भी हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन जाएगा, ये रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये भी रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ठीक है इसका हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन जाएगा आर्सेनिक का, ये इसका हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट नहीं बनता। तो अपने पास देखिए जो हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट देते हैं वो रूम टेम्परेचर पर, देखो बेटा अलग अलग है, देखो ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, इसने कहा कंप्लीटली हाइड्रोलाइज, ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट नहीं देगा, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ये रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट नहीं देता, तो अपने आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो अपना आंसर आ गया 0, 5 आंसर आ जाएगा, कितना 0, 5, ठीक है। ये ध्यान रखना है कौन से में कितने कितने अपने को मिल रहा है, कौन सा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट दे रहा है और कौन सा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, कौन सा रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, कौन सा इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो मैं दोबारा इसको बता देता हूँ, ये बेटा जी ये दो इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस देंगे क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आगे ये हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट नहीं देता है, ठीक है इसमें अमोनिया बनती है, क्या बनती है अमोनिया बनती है, ये दोनों है रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइज नहीं होते और ये है हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट अपने को नहीं देगा, ठीक है अपना आंसर आ जाएगा 0, 5। नेक्स्ट बात करूं मैं, व्हेन I2 इज ट्रीटेड विद Cl2 वाटर व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज होगा। बेटा I2 है, I2 का किसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, I2 बेटा आयोडिक एसिड में मूव कर जाती है, किसमें आयोडिक एसिड में, तो कितना 0 से 5 इसमें मूव कर जाएगी, कितना 0 से 5। कह रहे हैं नंबर ऑफ एसओ बॉन्ड इन पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा H2S2O8, H2S2O8 इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है, इसमें एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। अब कह रहे हैं एसओ बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3 और ये 4, 4 एसओ बॉन्ड है, तो अपना आंसर आ जाएगा 0, 4। नेक्स्ट बात करें, इन P4O10 कंपाउंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड, डबली बॉन्डेड विद फॉस्फरस, P4O10 की बात करें बेटा, P4O10 में कितने PO बॉन्ड है, देखिए P डबल बॉन्ड हो 1, 2, 3 और ये 4, कितने हैं 4 अपने को P डबल बॉन्ड O है, तो अपना आंसर आ जाएगा 0, 4, कितना आ जाएगा 0, 4। सिंपल स्ट्रक्चर इसकी आनी चाहिए आपको, ये किसका एनहाइड्राइड है P4O10, P4O10 बेटा फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। नेक्स्ट बात करते हैं,
इन द स्ट्रक्चर ऑफ शीट सिलिका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आर कॉमन बिटवीन टू SiO 4-2। बेटा शीट सिलिका की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, शीट सिलिका की बात कर रहा है। तो यहाँ अपन बात करें 2D शीट सिलिका हो गई, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, यहाँ 0-3 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है, किसने 0-3 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है। इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू गेट द कंप्लीट हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ P4O10, P4O10 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे 6H2O रिक्वायरमेंट होगी, कंप्लीट इसका हाइड्रोलाइसिस बेटा करके देखोगे तो यहाँ पर अपने को 4H3PO4 का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस कर लें आप इसे, बैलेंस करके हो। साथ में एक चीज़ ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन स्टेट से हमेशा सेम रहती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम रहती है। यहाँ P4O10 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +5 है, तो यहाँ S3PO5 में भी कितनी मिलेगी अपने को, +5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है। तो मतलब P4O10 किसका एनहाइड्राइड है, S3PO4 का एनहाइड्राइड है। यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल अपने काम आते हैं, 6 काम आते हैं, तो आंसर आ जाएगा 06। नेक्स्ट बात करें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव प्रोक्सी लिंकेज। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नॉर्मल से ज्यादा मिल रही है तो उसमें प्रोक्सी लिंकेज होगा ही होगा। तो अपने पास देखें, इसमें नॉर्मल से ज्यादा मिल रही है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इनमें प्रोक्सी लिंकेज अपने पास प्रेजेंट है, तो अपना आंसर आ जाएगा 05। तो 8 नंबर का अपना आंसर आ गया 05 प्रोक्सी लिंकेज। मैं कह रहा हूँ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर लीजिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल से ज़्यादा मिल रही है, नॉर्मल से ज़्यादा मतलब जिसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है, जैसे इसमें मैंने काउंट किया S3PO5 में, तो कितना आया 10 × 7 आया, जो हो नहीं सकता, मतलब इसमें कौन प्रेजेंट है, प्रोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, +7 हो नहीं सकती इसकी। इसका काउंट किया तो कितना हुआ, +8 आ रही है, सल्फर की +8 होने से रही, तो इसमें भी प्रोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। इस हिसाब से कब करके देखोगे तो अपने को प्रोक्सी लिंकेज वाला कौन मिल जाएंगे, ये स्टार्टिंग के 5 ही मिल जाएंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 05। नेक्स्ट बात करें, कर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट SO बॉन्ड इन S2O3-2, इसको बोलते हैं बेटा थायो सल्फेट आयन, थायो सल्फेट आयन, क्या नाम है इसका, थायो सल्फेट आयन नाम है, थायो सल्फेट आयन। इसके लिए बात करें S(O)-S(O)-O)-, यहाँ रेजोनेंस आ जाएगा तो ये तीनों बॉन्ड अपने को कैसे मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 03। नेक्स्ट बात करें, कैटेनेशन इज मैक्सिमम फॉर एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर। बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटेनेशन पावर किस में होती है, कार्बन में होती है, उसका एटॉमिक नंबर सबसे सिंपल चीज़ें है 06 होता है, और ये अपना जेई मेन का पेपर कंप्लीट होता है, जेई मेन ला एक पूरा पेपर था, पी ब्लॉक में जहाँ भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सभी डाल दिए थे इसमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर एडवांस लेवल में, आज के इतना ही, थैंक यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी बात करेंगे एडवांस के पेपर के लिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपना पैसेज से आया है, इसमें देखिए ये जो फॉर्मूला अपने पूछा गया है, ये रिएक्शन ये किसको फॉर्मेशन की है, ये बोरेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ अपन कैलोमाइट की रिएक्शन Ca2B6O11 की रिएक्शन Na2CO3 से करते हैं, तो यहाँ पर अपने को सोडियम मेटाबोरेट प्लस Na2B4O7 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इस ए की रिएक्शन अपन CO2 से कराते हैं तो बी यहाँ पर मतलब अपने को Na2B4O7 वापस मिल जाता है, क्या Na2B4O7। तो इसमें पूछा कंपाउंड ए एंड बी है, तो कंपाउंड ए तो अपने पास हो जाएगा मेटाबोरेट और बी अपने पास हो जाएगा बोरेक्स की वाली बात, तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ पर ये दो नंबर गलत यहाँ लगा रखा है, ठीक है, तो आंसर अपना आ जाएगा थर्ड, यहाँ थोड़ा सा ये करेक्शन अपने पास आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंपाउंड इज, ई कंपाउंड क्या बेटा, कॉपर की रिएक्शन कराते हैं किससे, उसमें कंपाउंड पीछे देखिए कंपाउंड, इसमें बात की इसमें कॉपर की रिएक्शन कराते हैं, कॉपर की रिएक्शन अपन किससे कराएंगे, B2O3 से करा दें, या फिर इसको रिएक्शन करें फ्लेम टेस्ट, इसमें फ्लेम में बात करें, ये बोरेक्स बीड टेस्ट अपने पास आ जाएगा, यहाँ ब्लू कलर मिल जाएगा किसका, CuBO2 का होल ट्वाइस का अपने को ब्लू कलर मिल जाता है, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ए रेडिश ब्राउन लिक्विड ए ऑन ट्रीटमेंट विद ओजोन फॉर्म ए पेल येलो सॉलिड बी ऑन रिएक्शन विद NaOH फॉर्म CnD, सिमिलर प्रोडक्ट CnD आर ऑब्टेन व्हेन ए इज ट्रीटेड विद हॉट एंड कंसेंट। ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं बेटा, इस रिएक्शन से ही अपन पूरा आंसर निकाल लेंगे। बी ऑन डिकम्पोज फॉर्म ए डार्क ब्राउन लिक्विड ई, ऑल A2B बर्न विद ग्रीन एज फ्लेम व्हेन पुट ऑन ए वायर इन बुनसन फ्लेम। इसमें बात करें
तो ई के लिए लास्ट प्रोडक्ट पूछा है इसने, ई के लिए बेटा बात करें तो ई जो है आयोडीन वाली बात करें इसमें, तो ये क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अपन बात करें कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपने पास जो ई बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, ई इज ई ऑन रिएक्शन विद आई टू प्रोड्यूस एक्स विच फॉर्म स्टेबल वाइट हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टल, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। इसमें बात करिए हाइग्रोस्कोपिक, ये एक्स अबाउट एक्स के लिए बात करें तो ये क्या होगा बेटा, वाटर में सोल्यूबल होगा, क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा, और ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, परंतु इसमें ऑक्सीडाइजिंग एसिड उच्चतम नहीं होती, इसमें उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, क्योंकि इसमें कितनी आती है, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कितनी होती है, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इट इज़ यूज एनालिटिक टू फॉर्म डिटेक्ट द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो अपना आंसर आ जाएगा ए बी एंड डी। नेक्स्ट बात करते हैं, बोरॉन फॉर्म एंड मेनी कंपाउंड लाइक बोरिक एंड बोरेक्स इन ऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ऑर्थोबोरिक एसिड कंटेन ट्राइंगल बीओ थ्री यूनिट इन द सॉलिड, द बीओ थ्री यूनिट आर हाइड्रोजन बॉन्डेड टूगेदर इन टू डी शीट विद ऑलमोस्ट हेक्सागोनल सिमेट्री, बोरेक्स इज यूज इन बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स का यूज बोरेक्स बीड टेस्ट में किया जाता है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्लेस फ्रॉम बोरिक एसिड वैन इट इज डिजोल्व इन वॉटर, बेटा जी कोई भी हाइड्रोजन एटम बाहर रिमूव नहीं होता, क्योंकि ये बेटा OH माइनस लेने वाला है, H प्लस देने वाला नहीं है, तो जीरो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, बोरेक्स बी टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इसका यूज किया जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट किसमें मिलते हैं, विटामिन बी 12 में मिलते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बात करें, द टर्म कार्बाइड इज जनरली अप्लाइड फॉर द कंपाउंड इन विच कार्बन इज बॉन्डेड टू द एलिमेंट ऑफ लोअर और अप्रोक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस डेफिनेशन एक्सक्लूडेड द कंपाउंड इन द विच ऑक्सीजन सल्फर फॉस्फोरस नाइट्रोजन हैलोजन आर यूनिट द कार्बन हाई रिएक्टिव मेटल फॉर्म आयनिक कार्बाइड, मेन चीज बात कर रही है आयनिक कार्बाइड के लिए बात कर, आगे देखते हैं कि कौन से कार्बाइड के, कौन सा कार्बाइड जल अपघटन होने पर भिन्न उत्पाद देगा। बेटा इसमें बात करें, कैल्शियम कार्बाइड में अपने को क्या मिलेगा, एसिटिलीन बनती है, अभी अपन पहले जे मेन में बात की थी, क्रॉस मल्टीप्लाई से बनता है, इसमें क्या बनेगी, सी एच फोर बनेगी, इससे अपन बात करें इसमें भी एसिटिलीन बनती है, चार्ज बैलेंस करके देखोगे इसमें भी क्या बनेगी, एसिटिलीन बनेगी, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथेनमाइड्स, मेथेनमाइड्स कौन से हैं जो हाइड्रोलाइसिस मिथेन देंगे, इसके बाद पहले कर चुके हैं अपन, ये मेथेनमाइड्स है, ये भी मेथेनमाइड्स है, इससे मेथेनमाइड्स नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है, इसमें अपन बात करें ये भी मेथेनमाइड्स नहीं मिलेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा ए एंड डी, आंसर आ गया सेकंड, ए एंड बी आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, ए एंड बी इसमें ना, ए और बी अपने को दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोर देन वन आंसर, वन और मोर देन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, बेटा फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहला कह रहा है ट्रू अबाउट, पहले ये तो ध्यान रखना है ट्रू केवल बात करें, येलो फॉस्फोरस इज सोल्यूबल इन सी एस टू एल, रेड फॉस्फोरस इज नॉट, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि येलो सोल्यूबल या फिर अपन येलो फॉस्फोरस या फिर अपन बोले व्हाइट फॉस्फोरस सोल्यूबल होता है किसी सी एस टू में, पर रेड फॉस्फोरस इनसोल्यूबल होता है। पी 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 बॉन्ड एंगल इज 16 रेड फॉस्फोरस, बेटा रेड फॉस्फोरस में नहीं होता, ये किस में होता है, व्हाइट फॉस्फोरस में होता है पी 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 बॉन्ड एंगल। ऑन हीटिंग इन एयर व्हाइट फॉस्फोरस चेंज इन टू रेड फॉस्फोरस, ऐसी कोई बात नहीं है कि एयर में बनाने पर ये येलो हो जाता है, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस विच स्लोली चेंज इन रेड फॉस्फोरस एट ऑर्डिनरी कंडीशन टेम्परेचर, बिल्कुल बेटा ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर धीरे 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 उसमें रेड फॉस्फोरस चेंज हो जाता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो अपना फर्स्ट भी आ जाएगा और फोर्थ भी आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन, NH3+Cl2NH4Cl एक गैस बनती है, यहां पर गैस क्या बनती है बेटा, N2 गैस का फॉर्म, नहीं सॉरी, यहां N2 गैस का फॉर्मेशन होता है और N यहां NCl3 का फॉर्मेशन होता है, किसका, NCl3। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए एंड बी, ठीक है, ए इज हाईली रिएक्टिव गैस एट रूम टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट तो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, N2 गैस है, क्या है, N2 गैस है, वो हाईली रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है, इनकरेक्ट, क्या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा इसने, ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, बॉन्ड ऑर्डर इज ऑफ गैस ए इज सिमिलर टू C2-2, हाँ ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट बेटा,
यहाँ बॉन्ड ऑर्डर अपना कितना है, तीन बॉन्ड ऑर्डर है, कितना है, तीन है, तो सी टू माइनस टू में भी तीन होता है। कंपाउंड बी इज एक्सप्लोजिव, बिल्कुल सही बात है। एनसीएल थ्री कैसा होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। बॉन्ड एंगल ऑफ कंपाउंड बी इज हायर देन बॉन्ड एंगल ऑफ एनएफ थ्री। बी जो है एनसीएल थ्री है यहाँ, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा बेटा किससे, एनएफ थ्री से, किससे, एनएफ थ्री से, क्योंकि यहां स्टेरिक इंडेंस लगेगा। तो ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। तो अपना राइट स्टेटमेंट आ जाएगा अपना कौन सा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इसमें शायद अपना करेक्शन है अपने, इसमें चेंज कर लेना आप, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आंसर आ जाएगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, करेक्ट के लिए बात कर रहा है बेटा ये, कि करेक्ट कौन सा है अपने, ठीक है। अब NaNO3 को गर्म करते हैं, NaNO3 गैसेस प्रोडक्ट इज डायमैग्नेटिक, तो यहाँ NaNO3 को गर्म करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, NaNO2 प्लस हाफ O2 बनता है, क्या बनता है, हाफ O2। ये कह रहा है गैसेस प्रोडक्ट कैसा है, डायमैग्नेटिक है बेटा, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ये तो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। K प्लस O2 एक्सेस KO2 बनेगा, कह रहा है उत्पाद डायमैग्नेटिक है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये कैसा होगा, सुपर ऑक्साइड है, पैरामैग्नेटिक होता है, कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। कह रहा है Na प्लस O2, यहाँ क्या बनेगा, Na2O2 सुपर परोक्साइड बनेगा, ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल राइट है। पोटेशियम प्लस NS3 ब्लू सॉल्यूशन मिलता है, कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। अपने को पता है कि जो ये लिक्विड है बेटा, जो एस ब्लॉक मेटल्स होती हैं, ये लिक्विड अमोनिया में सोल्यूबल होती हैं, ठीक है, और एक ब्लू सॉल्यूशन बनाती हैं, किसी कारण, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना राइट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एन टू वेन इटेड, बेटा ये सोडियम एजाइड प्योर नाइट्रोजन बनाने का मेथड है, एन ए प्लस एन टू, यहाँ पर अपने क्या बन जाएगा, यहाँ भी एन टू बन जाएगा, यहाँ अपने पास क्या बनेगा, एन टू ओ बनेगा, लाफिंग गैस बनेगी, जबकि यहां बात करें यहां क्या बनेगी, N2 गैस बनती है, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, PSC कैन बी ऑप्टेन बाय हीटिंग हाइपोफोस्फोरस एसिड, हाइपोफोस्फोरस एसिड विषमानुपातिकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, क्या करता है, विषमानुपातिकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये क्या बनाएगा, H3PO2 है, इसको गर्म करेंगे अपन तो अपने पास क्या बन जाएगा, PS3 प्लस H3PO4 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। हीटिंग ऑर्थोफॉस्फोरस, ये भी सेम यही रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिएक्ट वाइट फॉस्फोरस विद हॉट कंसनट्रेट, इसमें भी ये अपने को फॉस्फिन बनाने का मेथड है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा अपने पास, H3PO3, इसको हीट किया तो यहाँ भी फॉस्फिन बनेगी, सेम प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, H3PO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H3PO4। रेड फॉस्फ व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस के अपने एनिवच एक्वस एनिवच से व्हाइट पी फोर प्लस एनिवच से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ भी फॉस्फिन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोलाइसिस कैल्शियम फॉस्फाइड सी ए थ्री पी टू, इसका हाइड्रोलाइसिस करें एच ओ एच, तो यहाँ भी अपने को क्या मिलता है बेटा, फॉस्फिन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं चारों में ही अपने को फॉस्फिन मिल रही है, तो आंसर अपना आ जाएगा वन टू थ्री फोर आंसर आ जाएगा, चारों के चारों अपने आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, सिक्स में बात करें, ठीक है, क्या कह रहा है कि बोराजीन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या कहता है, इनऑर्गेनिक, इट हैज रिंग स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट बीएच एंड एनएच ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बोराजीन, ईच बोरोन एंड नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है बेटा जी। बोराजीन सेटिस्फाइड द 4n प्लस 2 हकल रूल, बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो इसको क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। Like organic benzene, borazine does not give addition product with HCl. बेटा inorganic benzene है, addition product देती है, क्योंकि इसमें polar bond होते हैं, तो ये statement अपना क्या हो गया, incorrect हो गया। Borazine contain dative pi-pi bond, बिल्कुल सही बात है ये तो अपना statement कौन सा आ जाएगा, first, second और fourth आ जाएगा, कौन सा, first, second and fourth। Next बात करते हैं, On heating, PbNO3 का whole twice give, Pb, lead nitrate, PbNO3 का होल ट्वाइस गर्म करते हैं तो क्या देगा बेटा, PbO प्लस NO2 प्लस O2, अपने को हाफ O2 दे देगा, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, सेवंथ का आंसर आ गया वन टू थ्री, आंसर आ जाएगा क्या, वन टू थ्री। नेक्स्ट बात करते हैं,
फोस्फीन इज ऑप्टेन बाय द रिएक्शन व्हेन फोस्फीन, अभी भी बात की थी, व्हाट व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, एनओ से कराते हैं, तो इससे तो अपने को मिल जाएगी क्या, फॉस्फीन मिल जाएगी। CA3P2 रिएक्ट विद वाटर, बिल्कुल इससे भी अपने को फॉस्फोरस मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, रेड फॉस्फोरस इज हीटेड विद NaOH, बेटा इससे फॉस्फीन का फॉर्मेशन नहीं होता, इससे फॉस्फोरस का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें अपने को क्या मिलता है, इसमें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, NCERT में एक टेबल दे रखे, उसमें देखना। यहाँ बात करें, फॉस्फोरस इज हीटेड इन करंट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ भी अपने को फॉस्फीन नहीं मिलेगी, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने पर किसकी मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो जाता है, बेटा जी ये मां टेम्परेचर ज्यादा कर दिया कम कर दिया तो ये किस में टूट जाएगा, NO2 में टूट जाएगा, ये टेम्परेचर सॉरी ये ज्यादा कर दिया तो NO2 में टूट जाएगा, लो टेम्परेचर लेंगे तो ये क्या बना देगा, N2O4 बन जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ऐसे ही अपन N2O3 की बात करें, ये डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर देता है अपने को, किसमें, NO2 का फॉर्मेशन कर देता है, किसका, NO2 का फॉर्मेशन कर देगा, तो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर क्या इसमें चेंज हो जाएगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में। नेक्स्ट बात करते हैं, S3PO3 ऑन हीटिंग कैन गिव, S3PO3 को अपन गर्म करेंगे, S3PO3 को अगर अपन गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, S3PO4 बन जाता है, प्लस फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है, किसका, फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है, तो अपन देखते हैं, एक तो फॉस्फीन बन जाएगी और एक S3PO3 बन जाएगा, S3PO4 बन जाएगा। ये अभी अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शंस, ठीक है, तो ये अपने फर्स्ट एंड सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न से कौन सी अक्रिय गैस धातु के साथ अंतर्काशीय यौगिकों का निर्माण नहीं करती, अभी अपन बता चुके हैं जेई मेन में कि ये तो क्लैथरेट का फॉर्मेशन कर लेती है, पर ये दोनों क्लैथरेट का फॉर्मेशन नहीं करती, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोड्यूस व्हेन HNO2 डिसप्रोपोनेशन इन एक्वस मीडियम, HNO2 की बात करें बेटा, HNO2 अपन इसमें HNO3 बनाने का मेथड था, इसमें देखते हैं ये क्या बनाता है, HNO3 प्लस NO का फॉर्मेशन करता है, किसका करता है, NO का फॉर्मेशन कर देता है, HNO2 किसमें टूटता है, HNO3 प्लस NO का फॉर्मेशन करता है, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्या Cl2 रिएक्ट विद हॉट एंड कंसेंट्रेटेड NaOH, ये रिएक्शन भी अपन बात कर चुके हैं पहले, Cl2 की रिएक्शन NaOH से कराए, हॉट एंड कंसेंट्रेट के साथ, किसके साथ, हॉट एंड कंसेंट्रेट, तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस NaClO3 बन जाता है, क्या बन जाता है, NaClO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, तो अपने पास क्या क्या बनेगा, एक तो सेकेंड बनेगा और एक फर्स्ट बनेगा, सेकेंड बनेगा और फर्स्ट बनता है, ठीक है, तो अपना आंसर आ गया फर्स्ट एंड सेकेंड। अमोनिया ऑन रिएक्ट विद हाइपोक्लोराइट आयन कैन फॉर्म, हाइपोक्लोराइट, बेटा अमोनिया है, हाइपोक्लोराइट आयन COCl- ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक है, तो ये क्या क्या बना सकता है, ये अपने इसका ऑक्सीडेशन कर देगा तो कैसे बन जाएगा, NO-NH3 का ज्यादा ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसे बदल जाता है, OCl में बदल जाता है, ठीक है। ये अपन अमोनिया उसमें इसके HNO3 फॉर्मेशन में रिएक्शन भी करते हैं कि अमोनिया का अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, अमोनिया क्या करते हैं अपन, ऑक्सीडेशन करते हैं, उसमें इनका फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। N2H4 अगर इसमें अपन क्या ले लें, अमोनिया एक्सिस में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, N2H4 बन जाएगा, और यहाँ पर इंटरमीडिएट अपने पास क्या बनता है, HNO2 भी का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, कहते मेटल विच प्रोड्यूस H2 गैस विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बेटा ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, वैसे NCERT की रिएक्शन नहीं है, ये थोड़ी बाहर की रिएक्शन है, मैग्नीज और Mg ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या देती है, H2 गैस देती है, स्पेशल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी मेटल्स हैं, Mg एंड Mn है, ये रिएक्शन करके क्या देती है, H2 गैस देती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे परोक्सो एसिड ऑफ सल्फ्यूरेज, परोक्सी एसिड में जैसे परोक्सी लिंकेज हो, परोक्सी लिंकेज इसमें पड़ी है अपने पास, ठीक है,
अपने पास इसमें प्रोक्सी लिंकेज है तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड एंड फोर, प्रोक्सी एसिड ऑफ सल्फर जिनमें क्या आ जाए प्रोक्सी लिंकेज प्रेजेंट हो, तो अपने पास कौन सा आ गया थर्ड एंड फोर्थ आंसर आ जाएगा, क्या थर्ड एंड फोर्थ। कह रहा पीसीएल फाइव इज फॉर्म्ड, पीसीएल फाइव फॉर्मेशन की अपनी एनसीईआरटी में रिएक्शन है व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद लिमिटेड ड्राई, लिमिटेड से नहीं, ये गलत हो गया, व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन, हाँ एक्सेस में बात करेंगे तो अपने पास पीसीएल फाइव बन जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद एसओसीएल टू, एसओसीएल टू से बेटा क्या बनता है पीसीएल थ्री का फॉर्मेशन होता है, जबकि व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसओ टू सीएल टू, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, तो आंसर आ जाएगा सेकंड एंड फोर्थ वॉट। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शंस, सही रिएक्शंस देखनी है। पहला कह रहा है व्हेन CuSO4 सॉल्यूशन रिएक्ट विद NH3 कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, CuNH3 का होल 4 SO4 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, CuNH3 का होल 4 SO4 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। व्हेन CuSO4 सॉल्यूशन रिएक्ट विद PS3 कॉम्प्लेक्स, बेटा यहां कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता, यहां फॉस्फाइड बनता है, क्या बनता है फॉस्फाइड, Cu3P2 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन अपन इससे कराते हैं, ठीक है, तो कार्बन बन जाता है क्योंकि यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 किसके तरह बिहेव कर रहा है, यहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट, किसकी तरह डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। आगे बात करें NH3 की रिएक्शन Cl2 से कराते हैं तो क्या बनता है NH4Cl और N2 बनता है, ये बात भी सही है। NH3Cl2 एक्सेस में लेते हैं तो अभी रिएक्शन आई थी NCl3OHCl बन जाएगा, सही बात है। HNO3 की रिएक्शन P4O10, यहां ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यहां पर ये आई हुई रिएक्शन है बेटा, तो मेटाफॉस्फेट प्लस मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्लस N2O5 anhydride बन जाता है इसका। यहाँ ये कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं तो यहाँ SO2 का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल राइट सही है। जीनोन F2 की रिएक्शन O2F2 से कराते हैं, यहाँ जीनोन F6 बन जाता है, ये स्टेटमेंट भी राइट है, पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर जीनोन F4 फ्लोराइड डोनर की तरह बिहेव करेगा जबकि ये फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, ये स्टेटमेंट अपना कैसा हो गया रॉन्ग हो गया। टोटल रिएक्शन है अपने पास 9 है, उनमें से 2 इनकरेक्ट हो गई, एक तो ये और एक ये, तो अपना आंसर आ जाएगा 07। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ पी ओ पी लिंकेज इन P5O16-7, ये बेटा इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, फॉस्फोरस कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पीओपी बॉन्ड बता, पीओ बॉन्ड तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 प्लस, ठीक है पीओपी बॉन्ड देखें 1, 2, 3, 4, 0, 4, तो आंसर आ गया अपने पास 09 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 09 अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड द नंबर ऑफ सम पूछा था उसमें योग पूछा सम पूछा 09 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें फाइंड द नंबर ऑफ नाइट्रेट विच गिव NO2 टू गैस ऑन हीटिंग, बेटा देखिए ये गर्म करने पर क्या देगा N2O गैस देगा और ये गर्म करने पर KNO2 प्लस O2 देता है, जबकि ये भी सेम प्रोडक्ट देगा, ये क्या दे देगा NO2 गैस दे देगा अपने को और ये भी क्या दे देगा NO2 गैस दे देगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 0, मतलब लास्ट वाले दोनों अपना आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें हाउ मेनी रिएक्शंस आर करेक्ट, करेक्ट रिएक्शन के लिए पूछ रखा है यहां पर, तो पहला बात करें NaNO2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, बेटा यहां पर बना दिया साथ में यहां NO का फॉर्मेशन और होता है तो ये स्टेटमेंट अपना कैसा हो गया इनकरेक्ट हो गया। I2 प्लस HNO3, यहां H पर एसिड का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। P4 प्लस SOCl2 PCl5 बना रखा है, ये स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट हो गया। HgCl2PS3 बिल्कुल फॉस्फाइड का फॉर्मेशन होता है, ये स्टेटमेंट अपना राइट है। जिंक सल्फेट प्लस NH4OH, यहाँ ये ब्लू PPT बना रहा है, यहाँ ब्लू PPT नहीं बनकर क्या बनती है बेटा व्हाइट PPT का फॉर्मेशन होता है, किसका व्हाइट PPT का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कह रहे हैं NH3 प्लस XCl2, यहाँ क्या बना रहा है XCl2 के साथ ये बना रहा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना, ठीक है ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना। राइट स्टेटमेंट एक तो ये रहा, एक ये रहा और दो
और कैल्शियम ऑक्साइड P4O10 के साथ बात करा रहा है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट अपना, 7 नंबर भी अपना स्टेटमेंट राइट है, तो अपना आंसर आ जाएगा 03 राइट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछें, करेक्ट पूछें, करेक्ट पूछें, तो 4 नंबर में अपना आ जाएगा 03 राइट स्टेटमेंट कौन से हैं। तो अपने को पता लग गया यहाँ क्या नहीं बना रहे अपन, एनो, ये ब्राउंडिंग टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर अपन एक एसिड बना रहे हैं तो ये राइट स्टेटमेंट हो गया। यहाँ बात करें PCl5 नहीं बनकर यहाँ क्या बनता है, PCl3 का फॉर्मेशन होता है, यहाँ HG3P2 का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ व्हाइट PPT बनती है इसकी, कैसी PPT बनती है, व्हाइट PPT बनती है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। NH3+Cl2 NH4Cl+N2 बनता है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। यहाँ पर क्या बनता है, NCl3+HCl का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन दो बार देख चुके हैं अपन, ये स्टेटमेंट भी बना सही, तो अपना आंसर आ जाएगा 03। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन सल्फर ट्राई ऑक्साइड ट्राइमर। बेटा जी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, सॉलिड में ऐसे ही रहता है, यहां पर कोई भी SO बॉन्ड अपने को नहीं मिलेगा, तो यहां SS बॉन्ड की नंबर कितना आ जाएगा, SS बॉन्ड 0 नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच हाइड्रोलाइज एट रूम टेम्परेचर एंड हाइड्रोलाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp3d इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में sp3 हाइब्रिडेशन किसमें, पहले तो अपन ये देख लेते हैं रूम टेम्परेचर पर बात कर रहा है, रूम टेम्परेचर पर अपन पहले बात कर चुके हैं किसको किसको निकाल सकते हैं, इसको बाहर निकाल दीजिए, इसको रूम टेम्परेचर पर बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेगा, ये भी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेगा, ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा। तो अपन इनमें बात करें, ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेते हैं और साथ में इनका हाइब्रिडेशन अपने चेंज हो जाता है, क्या sp3d चेंज हो जाता है ट्रांजिशन स्टेट में रूम टेम्परेचर पर, काट लेते तो अपना आ जाएगा आंसर 06। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x+y+-z फॉर द फॉलोइंग सिलिकेट SiXOy+Z-Z(Ni)। बेटा ये सिलिकेट बना रखा है इसने, देखिए यहां सांजा कितने का कर रखा है उस हिसाब से अपन बता देंगे इन सिलिकेट्स में, ठीक है, कि यहां पर कितना है, इसको कैलकुलेट करोगे अपना कितना आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीथाइनेट आयन इन इज Sn+2O6-2 इफ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज Na, पॉलीथाइनेट इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब जैसे मान लो अपन टेट्रा बना लेते हैं, टेट्राथायोनेट की बात कर लें, देखिए बेटा इस पर +5 है तो एवरेज हमेशा इन्हीं के कारण रहेगी, तो एवरेज अपन कितनी बोल दें, 10/10 किनके कारण, कितने हैं एस, कितने N+2, ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है बेटा इनके बॉन्ड ऑर्डर के, SO बॉन्ड के बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर काउंट किया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 5/3 कितना आ जाएगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ये इक्वल हो गया 5/3 के, तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 = 5N+10 तो 5N = आ गया 20 और N = कितना आ गया 4, तो यहाँ अपने N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 04 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 04। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द कंपाउंड A2E, इफ वैल्यू ऑफ N इज 4 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P/Q, देयर P इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, एंड Q इज टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर है। तो अपन देखते हैं क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, जीनोन FN की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, जीनोन F4, क्योंकि इसने बोला है N की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, जीनोन F5 हो गए ना, तो जीनोन F6, यहाँ भी F5-1, यहाँ बात करें जीनोन F6, यहाँ बात करें जीनोन F8-2, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ लोन पेयर कितने हुए, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, यहाँ बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, यहाँ बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 2,
यहाँ बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 1, यहाँ बॉन्ड पेयर 8, लोन पेयर कितने हैं 1। तो बॉन्ड पेयर काउंट करें अपन, ये 10 4 14 14 और 6 28 हो गए। बॉन्ड पेयर कितने हो गए 28। लोन पेयर की बात करें 2 3 4 5 6 7 7 2 4 28, आंसर आ जाएगा 04। कितना आ गया 04। तो ये अपने आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हुए जेई एडवांस के, क्वेश्चन अच्छे थे, पेपर थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।